Welcome friend, I am Srikant Kalinder. Friends, in today's video lecture, I am going to discuss the remaining part of paper 2nd of December, NET 2012. Question number 1 से question number 31 तक questions मैंने पिछले video में discuss किए हैं. अभी remaining questions हम इस video में discuss कर रहे होंगे. So let's start. Question number 32. Durkheim considered animism as. Take your time. Durkheim animism ko kya mante the? Answer correct hai. Soul worship. And the belief that events in the world are mobilized by the activities of spirit. देखो दुर्खाइम का ये मानना था कि ऑस्ट्रेलियन एबोरिजन जो ट्राइब है जिनका दुर्खाइम ने स्टडी किया था बेसिकली उस ट्राइब का नाम अरुंटा ट्राइब है अरुंटा इस ट्राइब का उन्होंने स्टडी किया था ऑस्ट्रेलियन एबोरिजन में तो यह सोल के ऊपर बिलीफ रखती थी यानी कि जितनी भी चीजें सोसाइटी में होती है ओनली बिकॉज ऑफ सोल और यह सोल का वर्शिप करते थे और जितने भी इवेंट्स होते यानी कि फ्लड आता है अर्थक्वेक हो जाता है तो जो भी होता है नेचुरल इवन इवेंट्स उसके पीछे इनका मानना यह था कि सोल ही उसके पीछे रीजन है Question number 33. In his evolutionary framework, Marx arranged societies in the order of. Take your time. The correct answer is option D. देखो, Karl Marx ने जब society का study किया, कैसे society progress हुई है, तो उसने यह जाना है कि सोसाइटी के हर स्टेज में एक कॉन्फ्लिक्ट था बट उनका यह कहना था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो था एक पूरे तरह से एंशिएंट सोसाइटी उस टाइम पे कोई इकोनॉमी नहीं थी तो वह सोसाइटी पूरी तरह से कैसी थी क्लासलेस सोसाइटी थी बट उसके बाद लोग हंटिंग से लेके उसके बाद एग्रीकल्चर करने लगे तो फ्यूडलिज्म आ गया तो फ्यूडलिज्म में फिर एक हाउस बन गए यानी कि मास्टर्स बन गए और दूसरे जिनके पास जमीनें नहीं थी वह स्लेव बन गए तो एरिस्टोक्रेसी जो है वह फ्यूडलिज्म से स्टार्ट होता है फिर उसके बाद जो एरिस्टोक्रेट्स थे जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो वही कैपिटलिस्ट बन गए जिसे मार्क्स बोर्जुआजी कहता है तो बोर्जुआजी वर्सेस प्रोलेटेरिएट इनका फिर संघर्ष शुरू हो गया प्रोलेटेरिएट यानी कि वर्कर्स और उसके संघर्ष के बाद में मार्क्स कहते हैं जब बोर्जुआजी और प्रोलेटेरिएट का संघर्ष होगा जब कैपिटलिस्ट सिस्टम वर्कर्स पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे तो वर्कर्स का रूल आ जाएगा तो वो कहते हैं सोशलिज्म उस टाइम पे आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 फॉर द इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म ए पर्टिकुलर मोटिवेशन वाज रिक्वायर्ड विद रिगार्ड टू प्रॉफिट एंड वर्क कैपिटलिज्म की इमर्जेंस के लिए पर्टिकुलर मोटिवेशन जरूरी है वह प्रॉफिट और वर्क के बारे में करेक्ट है Capitalism was developed in the West because such a motivation was provided by Calvinism. West में capitalism क्यों develop हो गया? क्योंकि उस तरह का Calvinism एक ideology थी Christianity को, तो उस तरह का ideological motivation उस religion ने create किया था. Take your time.
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 35. फंक्शनलिज्म कंसिडर्स ह्यूमन सोसाइटी एज अ सोशल सिस्टम एज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड पार्ट्स विच टुगेदर फॉर्म एज अ होल. फंक्शनलिज्म ह्यूमन सोसाइटी को एक सिस्टम मानता है, जैसे एक इंटरकनेक्टेड पार्ट्स है सारे सोसाइटी के और वह एक दूसरे से कनेक्टेड है और वह कनेक्टेड इंटरकनेक्टेड होने के बाद एक पूरा सोसाइटी बना है. तो रीजन क्या है इसका? सोशल इंस्टीट्यूशंस सच एज एजुकेशन एंड रिलीजन आर व्यूड एज अ पार्ट ऑफ द सोशल सिस्टम रेदर देन एज आइसोलेटेड यूनिट्स. एजुकेशन एंड रिलीजन भी सोशल सिस्टम का पार्ट ही माना जाता है, वह आइसोलेटेड उसका स्टडी नहीं होता, वह अलग से उनका स्टडी नहीं होता. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्वेश्चन नंबर 36. यहां पर थिंकर्स है और उनके कॉन्सेप्ट्स है. टेक योर टाइम. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. मैक्स वेबर ने क्या दिया था? मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दिया था. आइडियल टाइप का थ्योरी मैक्स वेबर का है. फिर आर के मर्टन ने सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यह उनका थ्योरी है. बी मेलोडोस्की का कौन सा थ्योरी है? बी मेलोडोस्की ने, अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, कूला एक्सचेंज यानी कि गिफ्ट एक्सचेंज जो टोपरी एंड आइसलैंडर्स न्यू गिनी के करते हैं, वहां का उन्होंने स्टडी किया था. स्टडी करके यह उन्होंने सबसे पहले यह कॉन्सेप्ट उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी में लाया था, कूला एक्सचेंज. फिर विल्फ्रेडो परेटो वाज ए इटालियन सोशियोलॉजिस्ट. तो उन्होंने सबसे पहले सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का थ्योरी लाया, विल्फ्रेडो परेटो एंड जी मोस्का ने. तो परेटो उस थ्योरी में यह कहते हैं कि गवर्निंग इलिट होते हैं कुछ, जो लोग रूल करते हैं समाज में, पॉलिटिकल पार्टीज होंगी उसमें. तो उसको उन्होंने क्या कहा है? उसको उन्होंने रेंटायर कहा है यानी कि लॉयन कहा है. और कुछ लोग स्पेकुलेटर्स होते हैं यानी कि नॉन गवर्निंग होते हैं यानी कि गवर्नमेंट में नहीं होते, जैसे कि अपोजिशन पार्टी, उनको उन्होंने क्या कहा है? फॉक्स कहा है. तो वो फॉक्स और लॉयन के बीच हमेशा गवर्निंग पावर के लिए, लीड क्लास बन जाने के लिए संघर्ष शुरू रहता है और इसी के चलते समाज में परिवर्तन आता है. तो इसी को सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स कहते हैं. ये आप लिख भी सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 37. ऑथर से इधर और यहां पर बुक्स है उनके. टेक योर टाइम. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. या रेडक्लिफ ब्राउन ने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी यह बुक लिखा है. बहुत ही फेमस बुक है ये, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है इसके ऊपर क्वेश्चंस. या रेडक्लिफ ब्राउन का बुक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी. फिर हार्वर्ड स्पेंसर का प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी यह बुक है. राल्फ डेहरेंडॉर्फ ने क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी यह बुक लिखा है. यह बहुत फेमस बुक है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. लगभग जितने भी बुक्स है, यह बुक्स
आपको 100% याद ही रखने, क्योंकि हर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन 100% आता ही है। फिर इमाइल दुर्खाइम का रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये बुक है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, द बुक स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी वाज ऑथर्ड बाय, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विलियम एफ वाइट। विलियम एफ वाइट ने यह बुक 1943 में लिखा था। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 39, द फिगर दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा इज नोन एज, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मोड। देखो, मीन मोड मीडियन, यह हम स्टैटिस्टिक में देखते हैं। तो बेसिकली मीन क्या होता है? मीन बेसिकली एवरेज ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है, लिखा है मैंने 5 + 5 + 5 + 5, इसका टोटल सम समेशन होता है 20 डिवाइडेड बाय 4 नंबर, तो इसका मीन क्या आएगा? 5। मीन का मतलब है एवरेज। फिर मोड का मतलब क्या है? मोड, यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट नंबर मैंने लिखे हैं, 5, 6, 5, 6, 3, 6। यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है? मोस्ट फ्रिक्वेंटली, फिगर दैट मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर्स इन अ गिवन सेट ऑफ डाटा। इस डाटा में सबसे फ्रिक्वेंटली कौन सा नंबर आ गया है? 5 कितने टाइम है? 2 टाइम 5 है। 6 कितने टाइम है? 1, 2, 3, 3 टाइम 6 है। 3 कितने टाइम पे? 1 ही टाइम पे। तो सबसे फ्रिक्वेंट कौन सा नंबर आ गया है? तो 6। तो 6 क्या रहेगा? इसका मोड रहेगा। बहुत ही सिंपल है। और मीडियम क्या रहता है? मीडियम रहता है कि समझो डिफरेंस यहाँ पे नंबर दिए है, तो डिफरेंस नंबर में सबसे पहले हमको क्या करना है? जो लेसर नंबर है, तो लेसर नंबर से ग्रेटर नंबर तक एक सीरीज में हमको उसको लिखना है। जैसे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा हमने लिखा है। तो इसका मीडियम क्या आएगा, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी में क्या आएगा? मिडल नंबर क्या आएगा? मीडियम, मीडियम का मतलब है सीधे मिडल नंबर। तो इसका मिडल नंबर आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 40, रेंज इज अ मेजर ऑफ, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज डिस्पर्सन। जब डिस्पर्सन का हम स्टडी करते हैं, तो डिस्पर्सन क्या है? रेंज इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए रेंज का हम यूज करते हैं। बेसिकली सारे क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु हैज गिवन द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रैंक कोरिलेशन, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर 42, एन आइडिया अबाउट ए गिवन स्टेट ऑफ अफेयर्स put forward in exact terms to provide basis for empirical testing is known as, take your time. The correct answer is hypothesis. देखो, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, तो कुछ हम दिमाग में सेट करते कि नहीं, इसका मैं स्टडी कर रहा हूँ, इस सोशल इवेंट्स का या सोशल प्रॉब्लम्स का मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो पर्टिकुलर इसका यह सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का हो सकता है। जैसा हम प्री कंसिडर करते हैं, एक आइडिया दिमाग में सेट करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? अजम्पशन, उसी को हम सॉरी हाइपोथेसिस कहते हैं, और उसके हिसाब से आगे की एम्पिरिकल टेस्टिंग हम करते हैं। तो यह सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे लिस्ट मैच करना है, टेक योर टाइम।
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये भी क्वेश्चन रिसर्च से है। ओरल हिस्ट्री, ओरल हिस्ट्री क्या होता है? पीपल्स नॉलेज होता है, जो लोग बताते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में पोवाड़ाज वगैरह बताते हैं, तो वो एक ओरल हिस्ट्री होती है, जब पीपल्स कुछ बातें बताते हैं आपको। जिस समझो कोई स्टडी करने आप चले गए किसी पर्टिकुलर एरिया में, और वहाँ पे लोगों को आप जब क्वेश्चन पूछते हैं कि पर्टिकुलर इस यहाँ पे जो एक प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स है, इसका कौन सा रीजन हो सकता है, और जब वह आपको आंसर्स देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओरल हिस्ट्री, पीपल्स नॉलेज। फिर सेकंड है सर्वे। सर्वे क्या है? क्वांटिटेटिव डाटा है। सैम्पलिंग है थर्ड। सैम्पलिंग क्या है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए होल। जब कोई बड़ा स्टडी करने के लिए हम निकलते हैं तो एक हमको छोटा सा सैंपल लेना पड़ता है, तो उस सैंपल के आधार पर बड़ा स्टडी हमको करना पड़ता है। तो सैंपलिंग क्या है? इसका मतलब है सैंपलिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए होल है। और डी ऑप्शन है केस स्टडी। केस स्टडी क्या है? इनडेप्थ स्टडी ऑफ ए यूनिट। केस स्टडी का मतलब है एक यूनिट में एक केस हमको लेना पड़ता है स्टडी करने के लिए, और उसका इनडेप्थ स्टडी करना पड़ता है, उसका थोरो स्टडी हम केस स्टडी में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, एट्रीब्यूट इज रिलेटेड टू, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। देखो दो टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जब न्यूमेरिकल आएगा 1, 2, 3, 4, तो वो न्यूमेरिकल को हम क्वालिटी में नहीं गिन सकते, तो उसको क्वांटिटी में गिन सकते हैं, करेक्ट है। और जब क्वालिटी की बात आती, जैसे कोई पर्सन है वो अच्छा है बुरा है, तो यह हम नंबर्स में गिन नहीं सकते उसको, कि पर्टिकुलर कोई रिलीजन है अच्छा है बुरा है, या मॉरेलिटी को हम पर्टिकुलर नंबर में नहीं गिन सकते, तो उसको क्वालिटी में, ये उसको क्वालिटी में हम समझ सकते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या है? क्वालिटेटिव वेरिएबल्स है। क्वेश्चन नंबर 45, मैच द लिस्ट, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होता है? फील्ड बेस्ड होता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी नॉलेज फ्री फ्रॉम बायस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है नॉलेज होता है, कैसे होता है? फ्री फ्रॉम बायस। जो स्टडी कर रहा है उसका खुद का विचार उसमें इंक्लूड नहीं होता है। फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या होता है? फैक्ट्स का मतलब है एम्पिरिकल एविडेंस, जो आपने एविडेंस वहां पे एग्जैक्टली जाके देखे है फैक्ट्स, उसको कहते हैं। सब्जेक्टिविटी क्या है? सब्जेक्टिविटी का मतलब है पर्सनल असर्शन, आपका खुद का थॉट, उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्टिविटी। और विदाउट खुद का थॉट, यानी कि नॉलेज फ्री फ्रॉम बायस, सब्जेक्ट से अलग जब आप नॉलेज क्रिएट करते हो तो उसे ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मैच द लिस्ट, टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, नेचर ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, टेक योर टाइम। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। व्हाट इज इट? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, व्हाई इज इट? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हाउ इज इट? डायग्नोस्टिक रिसर्च, हाउ टू ट्रीट इट? क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, टेक योर टाइम। करेक्ट आंसर इज बी, नेचर ऑफ फेनोमिना, नेचर ऑफ सोशल साइंस, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस। देखो ये रिसर्च के क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है
करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए करेक्ट सीक्वेंस को ना कौन सा होना चाहिए, तो फर्स्ट रहेगा नेचर ऑफ फेनोमेना, फेनोमेना का नेचर कैसे आपको देखना है, नेचर ऑफ सोशल साइंस, फिर मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन का आपका मेथड कौन सा है वह देखना है, लास्ट है मेथड ऑफ डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस का आपका मेथड कौन सा है यह आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 48, इन केस ऑफ डूइंग ए रिसर्च विच इज द करेक्ट सीक्वेंस, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ डाटा। यह आप याद ही रखिए क्योंकि जब आप आगे जाके एम फिल करेंगे या पीएचडी करेंगे तो उस टाइम पे आपको रिसर्च करना पड़ता है, तो वह रिसर्च करते टाइम जो रिसर्च का सीक्वेंस बहुत ही जरूरी होता है वह करेक्ट सीक्वेंस ऐसा रहता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले एक प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट करते हैं, प्रॉब्लम को देखते हैं, फिर वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाएगा इसका हाइपोथेसिस करते हैं, और फिर डेटा कलेक्शन करते हैं फील्ड में जाके, और फिर उस डेटा का हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आफ्टर डेटा कलेक्शन विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स, डेटा कलेक्शन के बाद कौन सा करेक्ट सीक्वेंस रहता है रिसर्च में, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज एडिटिंग फील्ड इन टूल्स, कोडिंग एंड टैबुलेशन। डेटा कलेक्शन के बाद क्या क्या करते हैं हम, एडिटिंग करते हैं, फिर कोडिंग करते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं टैबुलेशन करते हैं उसका। क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और इंडिकेट्स द एक्सटेंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, टेक योर टाइम, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। देखो जब टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है, ये एट्रीब्यूट में, एट्रीब्यूट क्या था क्वालिटेटिव वेरिएबल्स था, जब टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स का हम जब स्टडी करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। Thanks friends for watching my video. Please share, comment and subscribe to my channel.